हेलो एंड वेलकम, आई एम शेफ संजीव कपूर। घर में खाना बनाने के वक्त टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब टेंशन क्यों नहीं हो, सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खाना टेस्टी भी हो, उसके साथ साथ हेल्दी भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए, टेस्टी भी होना चाहिए। अब मेरे पास क्या है पहले तो वो देख लेता हूँ, और फिर बनाएंगे कुछ बढ़िया सा खाना। पहले छानबीन कर लेते हैं अपने फ्रिज की। चलो, पालक है, कॉर्न है, ब्रेड है, और नेचुरली न्यूट्रलाइट मेयो है। और हेलो अंकल। हाय हर्षित। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप खाना बनाने आए हो? नो। अरे मैंने कहा कि खाना आप बनाओगे, मैं जाके थोड़ा क्रिकेट खेलता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता? नो। ओहो, पर आप आज बना क्या रहे हो? अभी तो मैंने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए हैं, मैं सोचा नहीं है कि क्या बनाना है। मेरे पास ब्रेड है, कॉर्न है, और पालक है, ऑनियन है, हाँ, न्यूट्रलाइट मेयो है मेरे पास। कुछ इंटरेस्टिंग खाना है? चलो तो एक काम करो, मैं तो नहीं क्रिकेट खेलता, आप क्रिकेट खेल के आओ, तब तक मैं कुछ रेडी करता हूँ। आई विल टेस्ट इट, आऊंगा मैं आके। अरे ये तो प्रेशर दे रहे भैया। बाय बाय। ये ना बच्चे ना, आई टेल यू, मतलब जितनी बार भी खाना आप बना लो लेकिन प्रेशर रहता ही है। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये पत्ते मेरे पास स्पिनच के, और इसमें थोड़े से ये जो डंडियाँ हैं मोटी वाली, उसको निकाल देता हूँ मैं, सिर्फ पत्ते पत्ते चाहिए मुझे। अच्छा, ये पानी उबलना शुरू हो गया, ये जो पालक के पत्ते हैं ये ले लेते हैं उबलते हुए पानी के अंदर। ओके, थोड़ा प्याज ले लेता हूँ मैं, प्याज को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। चलो जी, ये पालक का क्या हाल है, ये कितना बढ़िया कलर आ गया है पालक का, और इसको डाल देता हूँ ये पके हुए पालक को ठंडे पानी में। अब एक पैन, पैन के अंदर ऑयल, और ये प्याज इसके अंदर, प्याज पकाया जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट होगा। अच्छा, इसमें कमाल है न्यूट्रलाइट मेयो विद विटामिन ए, डी, टू एंड ई, तो इस तरह से विटामिन इनरिच्ड जो मेयो है मिल रही है, कमाल है। थैंक यू न्यूट्रलाइट। स्मेलिंग नाइस, कैरमलाइजेशन ऑफ अनियन, हल्का हल्का कैरमलाइज होना शुरू हो गया है। क्रश्ड कॉर्न, ये जो पालक है इसको पानी निकाल लिया अच्छे से, इसको चॉप करते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे कि इसको मिक्सी में पीस सकते हैं क्या? नहीं, मिक्सी में पीसेंगे ना तो एकदम पेस्टी हो जाएगा, और फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सो हमें कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए जिसके साथ में हम काम कर सकें। ये मेरे पास में स्पिनच, स्पिनच एंड कॉर्न, हो गया ड्राई। ये जो मिक्सचर है इसको मैं जरा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ एक बोल में, थोड़ा सा ठंडा करना है इसे, मैंने हल्का सा ठंडा करते हैं। ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसको थोड़ा किनारे से इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है इसे, ये हो गया, वेरी गुड। अब ये जो ब्रेड के पीसेस हैं इसको एक काम करना है, बेलना है। सो ये हमारे पास में तैयार न्यूट्रलाइट मेयो वेज, ये लिया इसके अंदर। अच्छा, बढ़िया बात यह है कि न्यूट्रलाइट जो है उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, कभी मैं प्लेन वाला जो मेयो है वो इस्तेमाल करता हूँ, कभी तंदूरी, कभी चीज़ी गार्लिक, तो उससे क्या है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टेस्ट आ जाता है। और अब हम इसे घुमाए दिए हैं, तो ये जो है बढ़िया से इस तरह से, ये थोड़ा ज़्यादा, अब इसको रोल करेंगे हम।
इधर से आपने लिया और इसको रोल करते जाएंगे और ये भी हो गया रोल। और चलो एक काम करते हैं, एन इसे घुमा देते हैं और इसे साइड से ये कर दिया टाइट। ये लिया इसके बाद इसको रख देना है फ्रिज के अंदर। क्या होगा, जो स्पिनेच कॉर्न उसका जो मॉइस्चर है वो ब्रेड के साथ में ब्रेड को थोड़ा सा मॉइस्ट करेगा, फॉर्म उसकी एकदम बढ़िया आ जाएगी, एकदम अच्छे से वो चिपक जाएगा और एक बढ़िया सा सैंडविच तैयार हो जाएगा। लेकिन जो सैंडविच है ना वो ऐसे नहीं खाएंगे, नहीं, उसको स्लाइस करके पतले मोटे जैसे मर्जी, ताकि उसमें मज़ा आए, दिखने में अच्छा लगे। थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगता है, लेकिन खाना बनाने में अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे तो फिर क्या है, फिर तो दाल चावल डाले प्रेशर कुकर में, सीटी दी और खाना तैयार हो गया। लेकिन फिर खुश नहीं होते ना लोग, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लो जी, चीयर्स। इट्स अमेजिंग, आई लव इट। कैसे रोल करके ना, इसको बोलते हैं पिन व्हील। पिन व्हील है तो बढ़िया। हेल्दी बन गया, टेस्टी।